अभी आपको मैंने जैसे बताया कि पाउडरी मिल्डू का अटैक काफ़ी तेजी से फैल रहा है, तो अखिलेश गुर्जर जी हैं बावड़िया में, भोपाल जिले में आता है ये, तो इनके खेत में भी 2-3 एकड़ में काफ़ी तेजी से फैला था। तो इन्होंने हमसे एक ट्रीटमेंट लिया था एग्री उत्सव से, तो हमने एजेस्टाटोबिन और डाइफेनकोजॉल केमिकल ये चूज़ कर रहे थे, तो केमिकल में हमने एजेस्टाटोबिन और डाइफेनकोजॉल का इनको रिकमेंडेशन किया था। क्या लगा आपको, कितने दिन में आपको रिजल्ट दिख रहा है इसमें? तो उसे 3 दिन हुए हैं अभी दवाई डाले। क्या अंतर दिख रहा पहले में और अभी में? ढूंढने से रोग नहीं दिखाई दे रहा है। अब ढूंढने से रोग नहीं। अच्छा, पहले जब हम पहले दिन आए थे तो आपकी सफेद सफेद बालियां बढ़ती जा रही थी, वो अधिकतर बढ़ रही थी, और अभी पहले जो ऊपर वाला खेत है मेरा वो ठीक था। यहाँ पे कोई अटैक था? मैंने बस करीब 2 एकड़ में ये बालियां आप देख सकते हैं, इस पे पाउडर बनना शुरू हो गए थे, लेकिन आज की कंडीशन में इसमें पाउडर नहीं दिख रहा है। मुश्किल से 8-10% का ये है थोड़ा सा पाउडर, बाकी पूरा क्लीन हो गया है धान। तो अगर ये समय रहते ही अगर ये उपचार ना होता तो शायद काफी लॉस हो चुका होता। बिल्कुल ठीक, अब यही ऊपर वाले में डालनी पड़ेगी। अभी उधर और फैल रहा है क्या? देख लिया रिजल्ट आज, अब ऊपर का स्प्रे करवाऊंगा। किसान भाइयों, आप लोगों ने ब्लाइट, ब्लास्ट और BLB का नाम सुना होगा धान के खेतों में। ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो धान को काफ़ी नुकसान पहुंचाती, लेकिन आपने कभी भी पाउडरी मिल्डू का नाम नहीं सुना होगा, और ना ही बहुत से किसानों ने तो आज तक पाउडरी मिल्डू देखा भी नहीं होगा कि धान के खेत में पाउडरी मिल्डू होता क्या है। अंगूर की फसल में या बेल वाली फसलों में या मिर्ची में आपको पाउडरी मिल्डू देखने में मिलेगी, लेकिन धान में बहुत कम ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में धान की फसल में पाउडरी मिल्डू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज हम भोपाल ज़िले में अमझरा गाँव में हैं, बावड़िया गांव में यहाँ पे एक 2-4 एकड़ में यहाँ पे पहली बार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पाउडरी मिल्डू की डिजीज़ को हमने डायग्नोस किया है। तो आप क्लोज से अगर देखेंगे तो आप समझ जाइए कि किस तरह से पाउडरी आता है। यह अभी कंट्रोल्ड में है, और जो सर वो सैंपल देना, यह अभी कंट्रोल है, इसको अब हमने 3 दिन पहले इसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर आप पाउडरी मिल्डू देखते जो दूसरे खेतों में हैं, इसको हम तो इस तरह से पाउडर फॉर्म बन रहा है धान में, और वो पूरा की पूरा पाउडर से पूरी की पूरी धानें झड़ रही थी। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और काफ़ी जल्दी इसको ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि आपने अगर इसको 2 या 4 दिन भी छोड़ दिया तो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, और जहाँ भी आपको 2-4 बालियों में भी पाउडरी मिल्डू का अटैक दिखता है तो वहाँ पे आप एजेस्टाटोबिन या डाइफेनकोजॉल का यूज़ करें, जहाँ आपको 24 से 48 घंटे में रिजल्ट मिलने की पूर्ण संभावना है। अगर आप बायोलॉजिकल रूप में खेती करना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल में आप एक DP0 आता है, LNB टेक्नोकेम कंपनी का DP0, और एक बेसिलस सब्टिलिस जो स्ट्रेंस होता है उसका यूज़ करें, तो ये काफ़ी हद तक आपकी धान में ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, DP0 और बेसिलस के स्टेंस। तो इस तरह से बायोलॉजिकल या केमिकल दोनों रूप से आप इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो हमारे एग्री उत्सव में नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट करके और डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद।